मैं सोनीपत जिला मेरा गांव सिसाना सिसाना हरियाणा हरियाणा तू बताती हुआ राजकुमार जी सबसे पहले आप हमें दर्शकों को बताइए कि आप आपका क्या करियर रहा है आपके बॉडी से तो कुछ अलग ही टाइप के लग रहे हैं आप रेसलिंग करते हैं मैं पहलवान है अब तो बिल्कुल छोड़ने की भी तैयारी पे है तो घोड़े गाड़ों में पड़ गए घोड़े गाड़ों में पड़ गए ये पहलवानी से घोड़े पे कैसे आ गए भाई शौक लग गया शौक कैसे लग गया आपको ऐसे लग गया मेले में घूमने आ रहे थे जब घूमते घूमते शौक मतलब मेले में जो घूमने आया वो शौक लग जाता है शौक ही लग गया भाई फिर घोड़ी ले आए फिर भाई घोड़ी नहीं अच्छी लगी फिर घोड़ा ले आए खरीद अभी इसको तैयार किया भाई ये 5 महीने का लिया था मैं क्या नाम है इसका राम राम शिवराज का है शिवराज का है फुलमा लाइन से फुलमा लाइन से 65 हाइट है इसकी अच्छा और आपका रहनवास कहाँ पर है मेरा गांव है सिसाना जी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सोनीपत अच्छा ये बताइए कि आप है क्या अद्दा से देख रहा है बेटू आजो आजो तो आप ये अब इसको आप बनाना चाहते हैं अपना करियर है ना तो इसमें आपको क्या फायदा दिखा है भाई अच्छे घोड़े में तो फायदा ही है भाई देसी में तो कुछ फायदा नहीं है लाइन वाले घोड़े में फायदा लाइन वाले घोड़े में फायदा इससे पहले मेरे पास लिसान का था मैंने उसको भी 7 लाख का सेल किया था और मैं 60,000 रुपया खरीद के ले आता था दूसरी बात शौक है भाई शौक भी होता है भाई आमदन भी है अब इसको सेल नहीं कर रहे हम तो आपके अब आगे क्या इरादा है भाई हम तो अपनी जिंदगी घोड़ों में निकालेंगे जिन्हें घोड़ों पर क्या करतू निकालेंगे और क्या आपके प्लानिंग दिमाग में क्या चल रहा है क्या होना चाहिए आपके आगे रूप क्या भाई पहली बात तो कि स्टैलियन अच्छा होना चाहिए सबसे पहली बात अच्छी घोड़ियाँ होनी चाहिए तो ब्रीडिंग का काम अच्छा है भाई
बच्चे बच्चे बिक जाएंगे ठीक है, मन लगा भी रहता टाइम भी पास हो जाता ठीक है, घोड़े का काम अच्छा है भाई, करे तो मन लगा के मन लगा करे तो। हाँ, अगर किसी को शौक है घोड़े का तो वो बिजनेस में तब्दील कर सकता है, कर सकता है भाई। ऐसा नहीं कि ना शौक ही शौक रखे और ना बिजनेस में कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, है बिजनेस में तो फिर थोड़े दिन चलेगा ना वो शौक। हाँ, और जेब खाली हो जाए शौक भी खाली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।